1917 की ये सत्य घटना बड़ी ही हैरान कर देने वाली है, जिसमें स्वयं गौ माता ने एक व्यक्ति के लिए गवाही दी। प्रिय साथियों, आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए हम इस सत्य घटना को सुनते हैं। जो बोल नहीं सकती वो गवाही कैसे दे सकती है, पर श्रद्धा भक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जड़ पाषाण की मूर्ति यदि भोग पा सकती है तो विश्व जननी गौ माता अपने भक्त की ओर से गवाही क्यों नहीं दे सकती। तहसीलदार ने जब पूछा कि आपकी तरफ से कौन गवाह है, तो गोविंद दास जी ने गौओं की तरफ उंगली से इशारा किया। तहसीलदार ने कहा, आप गौओं की तरफ इशारा करते हैं, पर ये गौएं आपकी हैं, इसका क्या सबूत है। गोविंद दास जी ने उत्तर दिया, सबूत, जगत की सब गौएं हम तपस्वी ब्राह्मणों की हैं, आप चाहें तो शास्त्रों को देख सकते हैं। तहसीलदार ने कहा, यह सबूत तो द्वापर युग का है, आज इससे कोई मतलब नहीं हासिल हो सकता। ये गौएं आपकी हैं तो कोई रसीद पुर्जा या और कोई कागज आपके पास है तो आप सबूत दाखिल कर सकते हैं। गोविंद दास जी ने कहा, कागज वागज मेरे पास कुछ नहीं है, ये गौ माताएं ही मेरी गवाह हैं, मैं इन्हें बुलाता हूँ, ये यदि मेरे पास आ जाएं और अपना प्यार दिखा दें तो आप मानेंगे या नहीं। तहसीलदार तथा प्रतिपक्षी लोग जब राजी हुए तब गोविंद दास जी ने गौओं को पुकारा, गंगा, गोदा, यमुना, कृष्णा, सावित्री, मेरी माता, आओ आओ मेरी माता आओ। इस तरह पुकारते हुए ज्यों ही उन्होंने गौओं को अपने पास आने के लिए हाथ से इशारा किया, त्यों ही सब गौएं अपने बंधन तोड़ाकर उनके पास दौड़ी गईं और उनका बदन चाटने लगीं। सब लोग और कसाई भी देखकर दंग रह गए और गौएं गोविंद दास जी के पीछे पीछे मठ के अंदर अपने अपने गोठों में आ गईं। आश्विन कृष्ण 10 शाके 1839 तारीख 10-10-1917 का दिन था। गोविंद दास जी खोई हुई गौओं को देखने बेलवड़ बाजार में पहुँचे। देखते देखते एक गौ के सामने ठहर गए और समीप ही खड़े कुछ गौ सेवकों से कहने लगे, देखो यही तो मेरी कपिला है, अब कैसे क्या हो, इस तरह कितनी गौएं लापता हो जाती होंगी, कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। यह देखो मेरी धौरी, वो वहाँ मेरी कबरी भी है, हरे हरे भगवान, आप कब तक मेरी परीक्षा करेंगे। इतने हिंदुओं के जीवित रहते गौओं की गर्दनों पर छुरी चले, ये क्या हिंदू हैं? पर मैं इन्हें क्या कहूँ, मैं स्वयं क्या हूँ, मैं हिंदू, हिंदुओं में भी ब्राह्मण हूँ, मेरे देखते यह सब हो रहा है और मैं जी रहा हूँ, धिक्कार है ऐसे जीने को। गोपाल कृष्ण, अब इस जीवन को समाप्त करने में क्यों देर लगा रहे हो, हाँ मेरी कपिली, ऐसे ही दुखोदार उनके मुंह से निकल रहे थे और वे इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सैकड़ों बार उन्होंने कपिला का नाम लिया, जो लोग वहाँ जमा थे वे कोई भी अब उन्हें नहीं दिखाई देते थे, उनके सामने सब और कपिली, धौरी, कबरी की ही मूर्तियाँ खड़ी थी। उनकी दृष्टि उन्हीं की ओर लग गई, उनकी देह जड़ हो गई, एक जगह स्थिर हो गए। एक बार आकाश की ओर देखा और फिर अपनी गौओं की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उपस्थित गो सेवकों को प्रणाम किया, भगवान गोपाल कृष्ण को एक बार पुकारा और हाँ मेरी कपिली कहते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। यह देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और 8-10 गौएं बंधन तोड़ाकर उनके पास आ गईं और उनका बदन चाटने लगीं। पर अब वे कहाँ थे, गौ और गोपाल का ध्यान करते हुए वे इस लोक से चले गए। सिरंबा गांव में गोविंद दास जी का अंत संस्कार हुआ और बेलवड़ में उनका स्मारक मंदिर बना है। जय श्री हरी।